नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक नई अपडेट से अवगत कराने जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम कि जो 1993 की धाराएं हैं उनमें संशोधन होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत समय से जो है 1993 की जो धाराएं हैं वही चली आ रही हैं, तो अब मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की बहुत सारी धाराओं में परिवर्तन होने जा रहा है, संशोधन होने जा रहा है। उसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। आज हम धाराएँ देखेंगे किन किन धाराओं पर परिवर्तन होने जा रहा है, और उस पर जो है उन्होंने सजेशन भी बुलाए हैं कि यदि और किसी धारा में भी संशोधन की आवश्यकता होती है तो एक सप्ताह के अंदर वो संशोधन के लिए वो धाराओं के नाम भी बुलाए हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन होने जा रहे हैं दोस्तों। क्या क्या परिवर्तन होंगे वो भी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में देखते जाएंगे। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है परिवर्तन का वो भी मैं आपको बताते रहूँगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, तो आप पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, चेंजेस होने जा रहे हैं, बदलाव होने जा रहे हैं। तो क्या क्या बदलाव होंगे हम उनके बारे में अब देखना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपको पूरा आदेश दिखा रहा हूँ, फिर एक एक बदलाव भी बताऊँगा क्या क्या बदलाव होंगे, किस पॉइंट पर बदलाव होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आदेश देख लेते हैं। पंचायत राज संचालनालय मध्य प्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक आप देख सकते हैं, भोपाल दिनांक 14/5/2024 14 मई को ही निकल चुका है। प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। विषय महत्वपूर्ण यह है, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धाराओं में संशोधन करने बाबत। ठीक है, तो अब दोस्तों जो है मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की जो धाराएं हैं बहुत समय से यही चली आ रही हैं, तब उसमें संशोधन होने जा रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स पर संशोधन होने जा रहा है, तो क्या क्या हो रहा है वो तो हम देखेंगे ही। और भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, उन पर भी संशोधन के लिए विचार किया जाएगा। तो वही CEO जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश से कहा गया है कि विषयांतर्गत मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 17, 25, 32, 43, 55, 69, 75, 75, 76, 84, 117, 125, 126 एवं 127 में संशोधन किया जाना है। इन सभी धाराओं में संशोधन किया जाना है। अच्छा, इनमें क्या क्या संशोधन किया जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या प्रारूप बनाया गया है अभी संशोधन किए जाने के लिए। इसके अतिरिक्त अन्य किसी धारा में संशोधन किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उक्त धाराओं के साथ अपना सुझाव एवं अभिमत एक सप्ताह के भीतर ही संचालनालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ठीक है, तो इतनी धाराओं में तो संशोधन किया ही जाना है, उसका प्रारूप भी तैयार हो चुका है, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्या क्या संशोधन होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि किसी धारा में संशोधन किए जाने की आवश्यकता होती है तो उक्त धाराओं के साथ अपना सुझाव एवं अभिमत एक सप्ताह के भीतर इस संचालन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मनोज पुष्प जी संचालक सह आयुक्त महोदय पंचायत राज संचालन मध्य प्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि भी दी जा चुकी है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण आदेश दोस्तों, अब इस पर हम बने रहेंगे। मैं आपको अभी कल ही वीडियो बनाकर बता दूंगा कि ये जो धाराएं इनमें क्या क्या संशोधन हो रहे हैं, प्रारूप जो तैयार किया गया है, जो पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया है इन धाराओं पर संशोधन के लिए वो बताने जा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त जो भी धाराएं पे जो संशोधन होगा तो उस पर हम पूरी चर्चा बनाए रखेंगे, पूरा ध्यान बनाए रखेंगे। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धाराओं में संशोधन होने जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या होंगे वो भी हम देखते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए। आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।